नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत दूसरी लिस्ट, जी हाँ, सेकंड लिस्ट निकल गई है और इस सेकंड लिस्ट के तहत दाखिलों की शुरुआत भी हो चुकी है। सारी जानकारी दूसरी लिस्ट से संबंधित मैं आपके लिए लेकर आई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपके बच्चे के नाम के आगे स्कूल का नाम लिखा आ रहा है तो मतलब उस स्कूल में आपके बच्चे का दाखिला हो सकता है, अगर आपके कागजात सही हैं। अगर आपके बच्चे के नाम के आगे लिखा आ रहा है इट इज़ रिग्रेटेड दैट यू हैव नॉट बीन सिलेक्टेड इन द ड्रॉ ऑफ लॉट्स, मतलब कि आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपके बच्चे के नाम के आगे आ रहा है नो रिकॉर्ड फाउंड, इसका मतलब है कि आपके बच्चे की जो आपने डिटेल्स डाली है, रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ, दोनों में से कोई एक गलत है, तो सही जानकारी डालिए और उसके बाद आपको रिजल्ट पता चलेगा। तो मैंने आपको यह पूरी जानकारी एक नोटिफिकेशन के माध्यम से दी थी और अब आपको बताना चाहती हूँ कि सेकेंड लिस्ट के माध्यम से बच्चों के जो दाखिले हैं वह जल्दी ही वह दाखिला प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अंतिम तिथि साफ साफ लिखा हुआ है 24 मई 2023। जी हाँ, 24 मई 2023 तक ही, दोपहर 1 बजे तक ही आप अपने बच्चों का दाखिला सेकेंड लिस्ट के माध्यम से अलग अलग प्राइवेट स्कूलों में करवा सकते हैं। आप सभी को एक और चीज़ भी बताना चाहूँगी, आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम हम स्कूल गए दाखिला करवाने तो स्कूल वालों ने हमें बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म या फिर किताबें नहीं दी, तो आप बताइए कि कहाँ लिखा है कि ये सब निःशुल्क मिलेगा। तो यह नोटिफिकेशन जो है यह दूसरी लिस्ट का है, पहली लिस्ट का नोटिफिकेशन भी कुछ ऐसा ही था, उसमें भी इसी जगह ये पॉइंट था, इसमें भी यह इसी जगह पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7, इसका सातवां लिखा है द स्कूल शाल नॉट चार्ज ट्यूशन फी फ्रॉम द स्टूडेंट्स। स्कूल बच्चों से ट्यूशन फी यानी कि जो फीस है वह नहीं लेगा, एडमिटेड अंडर EWSDG एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी। फर्दर स्कूल्स हैव टू प्रोवाइड फ्री बुक्स, स्कूल यूनिफॉर्म एंड राइटिंग मटेरियल। स्कूल्स को देनी होगी मुफ्त किताबें, मुफ्त यूनिफॉर्म और राइटिंग मटेरियल, मतलब कॉपी जो स्कूल की होती है, टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट एडमिटेड अंडर EWSDG एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी। हर उस स्टूडेंट को जो EWSDG और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत जिन्हें दाखिला मिला है, एज इज मैंडेटेड फॉर अदर चिल्ड्रन एट द टाइम ऑफ एडमिशन और इन एनी केस बिफोर 24 मई 2023। 24 मई 2023 को दाखिला लेते हैं या उससे पहले दाखिला लेते हैं तो आप हर बच्चे को यह मिलना चाहिए। तो यह है कि अगर आपके बच्चे का दाखिला हुआ है तो आपको यह चीज़ें तो स्कूल देगा ही, आप स्कूल से बात करिए। सातवें का सातवां पॉइंट दिखाइए, कंफ्यूजन की स्थिति में, परेशानी की स्थिति में, चिंता की स्थिति में आप डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन कॉल कर बात कर सकते हैं। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन खुद भी प्राइवेट स्कूल कॉल कर बात करते हैं। और एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी बताना चाहूँगी कि अगर कोई भी परेशानी दिक्कत आपको आती है, आपको लगता है स्कूल आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो आपके पास नंबर्स भी हैं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ राय दे सकती हूँ, जो काम स्कूलों से करवाना है वो खुद डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ही करवा सकता है। तो यह नंबर है 8800355192, दूसरा है 9818154069, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आप इन नंबर्स पर कॉल कर बात कर सकते हैं। अगर ये नंबर नहीं उठाए जाते हैं, आपको लगता है कि ये नंबर नहीं उठाए जा रहे, तो आप ये जो पोर्टल है doepvt.delhi.gov.in, यहाँ पर भी अपने ग्रीवियांसिस या कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके अलावा शिकायत अगर आप करना चाहते हैं, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के वेबसाइट पर भी शिकायत होती है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जाकर भी, ऑफिस जाकर भी आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, लिखित में, हैंडराइट अपने लिख के एप्लीकेशन में, जिसकी आप रिसीविंग ज़रूर ले लीजिएगा, या फिर आप उन ऑफिशियल से बात कर भी, कई बार बिना शिकायत लगाए लेकिन ऑफिशियल से बात कर भी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के आप अपनी परेशानी हल कर सकते हैं। बहुत ही मुसीबत की स्थिति में DCPCR का भी दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा, 24 मई बिल्कुल करीब आ गई है, और क्योंकि आप में से कुछ लोग मुझे कह रहे हैं मैम लाइव आइए, तो मैं कोशिश करूँगी आज या कल आपके लिए लाइव आऊँ और आपके सवालों का जवाब दूँ। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ होगा। आप मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।